अगर हम देखते हैं तो R2 और SHOIP OSPF नेबर, R2 और R3 के अंदर नेबरशिप फॉर्मड है, क्योंकि 3 का जो रेड है दैट इज 3333 है। और R3 में जाते हैं, R3 में SHOIP OSPF नेबर के अंदर हम देखेंगे कि 2 से कनेक्टिविटी मौजूद है, यानी 23 से, ये यहाँ से भी कनेक्टिविटी फुल है पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर, और ये भी आपके पास फुल है। अगर हमने R2 में जाने के बाद, लेट्स से इंटरफेस पे जाने के बाद, फॉर एग्जांपल मान लेते रिमोट लोकेशन पे कोई चेंज कर रहा है, IP OSPF हेलो ये हमने चेंज कर दिया, और हमने बताया कि चेंज करके उसको हमने 30 कर दिया, तो नेबरशिप क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद ब्रेक हो जानी चाहिए। वेट करें, मैसेज भी डिस्प्ले करेगा जब वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले नहीं, क्योंकि हेलो और डेड मिसमैच होते हैं तो नेबरशिप ब्रेक हो जाती है। और 14 सेकंड बाकी हैं, वेट करें, ये आप क्लियर कर देते हैं तो इमीडिएटली हट जाता है, बट मैसेज देखना हो कि वो एक्सपायर हो गया तो थोड़ा सा वेट करने का। मैसेज आने वाला, आगे अब इसके पास ये टू नेवर नहीं रहा, बट हेलो तो फिर भी आ रहा है, बट मिसमैच हो रहा है, दैट्स वाई नेवर नहीं बन रहा। क्या करें, डीबग IP OSPF हेलो, हेलो सेंड किया, रिसीव किया, हर हेलो रिसीव के लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हेलो रिसीव लिखा हुआ आया, उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन आई, हेलो रिसीव हुआ 23112 से, बिकॉज सोर्स ये था, डेस्टिनेशन IP इज मल्टीकास्ट 24005। तो जिस कमांड चलाने से क्या पता लगा कि यहाँ पे एक आया कि हेलो मिसमैच हो चुका है, यानी पैरामीटर मिसमैच हैं। क्या मिसमैच हैं, अब देखें, डेड आर 120 सी क्या है, समझ नहीं आ रहा। डेड का मतलब है डेड टाइमर, हेलो का मतलब हेलो टाइमर, आर का मतलब जो रिसीव हुआ डेड वो 120 है, और सी यानी कनेक्टेड मेरा खुद का 40 है, हेलो जो रिसीव हुआ वो 30 है, मेरा खुद का 10 है। तो अब अगर मैं चाहूँ उसका जाके 10 कर दूँ तो आई डोंट हैव द प्रिविलेज, मेरे पास R2 का प्रिविलेज तो नहीं है, तो R3 क्या कर सकता है, अपने हेलो को 30 कर दे, काम हो जाएगा, नेबरशिप बन जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट पे जाते हैं, INT S0/0 IP OSPF हेलो इंटरवल, अगर मैं 30 कर दूँ तो काम हो जाना चाहिए, नेबर बन जाना चाहिए। वेट करें थोड़ा सा, हेलो सेंड किया, हेलो रिसीव किया, नेबरशिप फॉर्म हो गई, और ये हर 10 सेकंड में जा रहा है, पहले भी दिखाया था, हर 10 सेकंड में जा रहा होता है, जब ये रिसीव करेगा सेंड करेगा। अब सेंड इसने 8 पे किया है, अगला वाला कब होना चाहिए, 18 पे होना चाहिए, इस तरह सारा चल रहा होगा। तो यहाँ से हम इस कमांड के थ्रू ये देख सकते हैं कि हेलो के पैरामीटर क्या मिसमैच है, उनको सेट किया जा सकता है।